बात करते हैं राजस्थान की। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान के 7 जिलों में ये 30 नए मामले सामने आए हैं। जो जिले हैं वो आपको बता दें, झालावाड़, झुंझुनू और टोंक में 7 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जैसलमेर के पोखरण में 5 नए मामले सामने आए हैं। पोखरण में पहले भी मामले सामने आए थे। बांसवाड़ा और बाड़मेर में 2-2 मामले सामने आए हैं, जबकि राजस्थान के जोधपुर में 1 मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से, जयपुर से। लाल सिंह, इसका सीधा मतलब ये है कि राजस्थान में कोरोना का दायरा भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर नहीं, लगातार बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है, और सबसे जो चिंता की बात है वो एक तेजी से बढ़ रहा है। आज राजस्थान में हर सुबह, पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर सुबह होती है आपके संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के साथ। आज जैसे ही सुबह हुई और 9 बजे के आंकड़े आए तो 30 नए मामले ऐड हुए और पूरा आंकड़ा पहुंच जाता है 413 पर। और आज 33 जिलों में से 24 जिलों में संक्रमण पहुंच चुका है, कोरोना अपने पैर पसार चुका है। वहीं इससे पहले जयपुर और भीलवाड़ा हॉटस्पॉट हुआ करते थे, लेकिन आज भीलवाड़ा के साथ साथ जयपुर, जयपुर के साथ कोटा, टोंक, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर, ये नए एपिसेंटर बनते हुए दिख रहे हैं। और सबसे जो खतरनाक घंटी सुनाई दे रही है वो हमारे जयपुर के रामगंज से दिखाई दे रही है। 129 मामलों में से 115 के आसपास मामले अकेले रामगंज से आते हैं। वो केवल एक व्यक्ति जो ओमान से आया, जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, उसका खामियाज आज पूरा रामगंज भोत रहा है। और धीरे धीरे रामगंज की संख्या, बढ़ती हुई संख्या कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्पिरिट की ओर इशारा कर रही है, यानी कि खतरे की जो घंटी है वो रामगंज से साफ सुनाई दे रही है। लिहाजा बहुत संक्षेप में, जिस तरीके से दिल्ली में सील किया जा रहा है हॉटस्पॉट को, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, क्या राजस्थान में कोई विचार? देखिए, बिल्कुल राजस्थान कर चुका है, परकोटा को पूरी तरह सील कर चुका है। परकोटा में जो रामगंज और तमाम जो इलाके आते हैं उनको सील कर दिया गया है। वहाँ एग्जिट पॉइंट पूरी तरह से बंद है, यानी कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। इसके अलावा सारे पास निरस्त कर दिए गए हैं। अब नए सिरे से उन्हीं के पास बनाए जा रहे हैं जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे खाद्य सामग्री से, बिजली से, चिकित्सा से, अदरवाइज किसी का पास नहीं बनाया जा रहा है। और सभी अंदर से तो बाहर आने की सभी को मनाई कर दी गई है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी। भीलवाड़ा मॉडल ही एकमात्र उपाय बचा है देश में कोरोना से लड़ने का, और यही वजह है जयपुर में भी भीलवाड़ा मॉडल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, और बहुत ही सख्त व्यवस्था की जा रही है, अन्यथा कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह फौजदार जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो राजस्थान में किस तरीके के मामले हैं, 30 नए मामले जुड़े हैं कोरोना के।